जैसे मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो जो ए वेक्टर है वो डिफाइन होता है उसके खुद के मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। सो पहले ऑप्शन लिखा हुआ है कि एक वेक्टर है, अगर हम उसको उसके किसी ऑर्बिट्रेरी एंगल से रोटेट कर दें, तो अगर हम किसी भी वेक्टर को से मान लेते हैं ये हम लोग का ए वेक्टर, अगर हम इसको रोटेट कर दें तो निश्चित तौर पर इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज आएगा। सो ये वो वेक्टर ए वेक्टर अब नहीं रहा। सिमिलरली अगर हम इसको किसी वेक्टर से किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें किसी एक्स से, तो निश्चित तौर पर इसका मैग्नीट्यूड चेंज रहेगा, तो भी वो वेक्टर नहीं रहा। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक यूनिट वेक्टर के साथ, मतलब ए वेक्टर में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें किसी भी यूनिट वेक्टर से मान लेते हैं आई कैप के साथ, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो फिर भी ये वेक्टर नहीं रहा। सिंपल है कि अगर हम किसी वेक्टर को ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दें किसी एक अदर वेक्टर के साथ जिसका लेंथ उतना ही हो, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर बिल्कुल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसका फोर्थ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थैंक यू। सेंस हम लोग को पता है कि से मान लेते हैं अगर हम लोग के पास दो वेक्टर हो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम होगा, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड की डिफरेंस का मॉड वैल्यू होगा, ताकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव ना हो। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिन दो का मैग्नीट्यूड सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको हम देखेंगे कि उसके रिजल्टेंट के मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तीसरे वाले फोर्स से या तीसरी वाले वेक्टर से के मैग्नीट्यूड से बैलेंस हो पा रहा है कि नहीं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 2, 4 एंड 8, तो हम लोग स्मॉलेस्ट वाले को ऐड करेंगे तो वो 6 है। अब सिंस उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 8 से बैलेंस नहीं हो पा रही, 8 से वो कम है, सो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा उससे हम लोगों को जो मैग्नीट्यूड नेट मैग्नीट्यूड है वो 0 नहीं मिल सकता है। सिमिलरली जैसे हम लोग ये फर्स्ट ऑप्शन चेक किए वैसे हम लोग अब सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन अगर चेक करें तो वो ऑप्शन दिया हुआ है 4, 8 एंड 16, फिर से दो स्मॉलेस्ट को ऐड करेंगे, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 12 आ रही है और वो 16 से ऑब्वियसली कम है, तो ये भी बैलेंस होकर नेट 0 नहीं मिलेगा। थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2 और 1। अब इन दोनों के स्मॉलेस्ट का अगर रिजल्टेंट देखें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो वो 2 है, जो कि तीसरे वाले से एग्जैक्टली बैलेंस हो पा रही है, तो ये वो ऑप्शन है जिसके थ्रू हमको इक्विलिब्रियम या नेट 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये पॉसिबल हो पा रहा है, इसका थर्ड मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। सिमिलरली अगर हम लोग डी को चेक करेंगे तो डी की वैल्यू भी बैलेंस नहीं हो पा रही। थैंक यू। सिंस क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोग के पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और हम लोग को इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। सिंस हम लोग को ये बात पता है कि कोई भी रिजल्टेंट उस वेक्टर के ज़्यादा पास होगा जिसका मैग्नीट्यूड अधिक होगा। ये बात हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से प्रूव भी कर सकते हैं। से मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू जाएं तो हम लोग ऐसे इसका बना सकते हैं रिजल्टेंट, तो हम लोग रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो इस पैरेललोग्राम का बिगर डायगोनल होगा, बड़ा वाला विकर्ण होगा, तो यहाँ से हम लोग को इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। और ये हम लोग एकदम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट का ए वेक्टर साथ एंगल अल्फा है और रिजल्टेंट का बी वेक्टर साथ एंगल जो है वो बीटा है। तो हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा बी से, तो निश्चित तौर पर अल्फा कम होगा और बीटा अधिक होगा। तो इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। थैंक यू। सिंस इस क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोगों को एक वेक्टर से मान लेते हैं कि ए वेक्टर, उसके हम लोगों को कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करना है। सिंस किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट दो बातों पर डिपेंड करेगा,
पहली बात तो कि हम किस एक्सिस के अबाउट उसका कंपोनेंट लेना चाहते हैं, किस एक्सिस के अबाउट उसका कंपोनेंट हम लोग को फाइंड करना है। से मान लेते हैं कि अगर हम लोग के पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और हम लोग का जो वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया गया है, ए वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ हम लोग को क्लियरली दो वेक्टर मिल जाएंगे, दो एंगल मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम मान लें कि हम इसी वेक्टर ए के अलोंग ही अगर हम एक्स एक्सिस को ले लें और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस को ले लें, तो हम लोगों को एक्स और वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट होंगे वो अलग अलग मिलेंगे पिछले वाले एग्जाम्पल के कंपेरिजन में। सो हम लोग को यहाँ बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उस एक्सिस पर भी डिपेंड करेगा और इस बात पर डिपेंड कर रहा होगा कि वो उस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। सिंस इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लोगों को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट मिलेगा वो पूरा का पूरा ए वेक्टर ही मिल जाएगा, और यहाँ पर जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग को कंपोनेंट मिलेगा वो कंपोनेंट जो होगा वो कुछ मिलेगा नहीं, मतलब वो जीरो वेक्टर होगा। जो कि पिछले क्वेश्चन में दोनों के अलॉन्ग कुछ ना कुछ कंपोनेंट आएगा और वो जो कंपोनेंट होगा कुछ इस तरीके से होंगे कि वो होगा ए कॉस थीटा आई कैप, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हम लोग कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा ए साइन थीटा जे कैप। सिंस ये दोनों कंपोनेंट ए वेक्टर से तो कम होंगे, बट यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा वो ए वेक्टर के बिल्कुल इक्वल ही आ जाएगा। सो हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते हैं, वी कांट से एनीथिंग क्लियरली। सो इस क्वेश्चन में इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। सिंस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए वेक्टर का डायरेक्शन है, ए वेक्टर उसका डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड, मतलब उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो एक और वेक्टर है बी वेक्टर उसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालें राइट हैंड थंब रूल से, तो हम लोग को क्लियरली मिल जाएगा अगर हम लोग अपने फिंगर को स्ट्रेच करें डॉट की तरफ, उसके बाद उसे नॉर्थ की तरफ कर्ल करें, तो हम लोग को ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो मिलेगा वो मिल जाएगा वेस्ट की तरफ। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो हो जाएगा अलोंग वेस्ट, ए ऑप्शन उसका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। इस क्वेश्चन में सर्कल का रेडियस जो गिवन है आर की वैल्यू, वो आर की वैल्यू है 2.12 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि इसमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कितने हैं, 3। तो अब हमें ख्याल ये हमें याद रखना है कि जो हम लोग जब हम एरिया का कैलकुलेशन करते हैं, जब आंसर पर टिक करेंगे, तो उसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, वो कितने चाहिए, 3 होने चाहिए। सो सर्कल है इसलिए हम लोग एरिया का फॉर्मूला अगर यूज करें तो फॉर्मूला जाएगा क्या, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू वो भी हम लोग 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक यूज करेंगे केवल, तो हो जाएगा 3.14 इंटू 2.12 का स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 14.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें इसका आंसर केवल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही टिक करना होगा, क्योंकि रेडियस भी जो है उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे। तो हम लोग ये ख्याल रखते हुए जो एरिया की वैल्यू टिक करेंगे वो हो जाएगा 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरीके से इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। थैंक यू।